यूके में आने के बाद सबसे फॉरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट काम है आपका बीआरपी कलेक्ट करना, जिसको बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट भी बोलते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वन कॉर्नर में आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यूके पहुंच गए हैं तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको प्रायोरिटी पे लेके सबसे पहले ख़त्म करने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमसे जुड़े रहें। जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ तो आपके तक ज़रूर पहुँचे। यूके में आने के बाद सबसे फॉरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट काम है आपका बीआरपी कलेक्ट करना, जिसको बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट भी बोलते हैं, जो यहाँ लैंड करने के बाद आपके वीज़ा के बाद सबसे पहले वही पूछा जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आई थिंक एज पर माई सजेशन आपको यूनिवर्सिटी से ही बीआरपी कलेक्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास और भी बाकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो आपको कंप्लीट करनी होंगी, तो आप पैरेलली वो दोनों काम कर सकते हैं। या फिर ऐसा कि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी अकोमोडेशन करवा के आते हैं बाहर प्राइवेट अकोमोडेशन में, तो अगर नियर बाय पोस्ट ऑफिस है तो आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करवा लो या तो फिर नियर बाय पोस्ट ऑफिस से। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच नीड्स टू बी डन आई थिंक दैट इज कलेक्शन ऑफ सिम कार्ड, गेटिंग ऑफ सिम कार्ड। अगर आपके पास पोस्ट पेड कनेक्शन है तो इट्स अप टू यू, हर इंडिविजुअल का अपनी चॉइस है, लेकिन सिम आपको कहीं से भी मिल सकता है। अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो जैसे एयरपोर्ट पर लैंड करते हो तो आपको हर जगह वो सिम दिखेंगे। आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हो, किसी ग्रोसरी शॉप से भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा नेटवर्क लेना है। यहाँ पे भी बेसिकली ई करके है, वर्जिन है, लिवारा है, वोडाफोन है, लाइका है। चार्जेस ऑलमोस्ट सबके सेम ही है, मैं सबका देख चुका हूँ। मेरे पास खुद लिवारा यूज़ कर रहा हूँ। मेरे केस में ये था कि मेरा जब बायोमेट्रिक हुआ था इंडिया में, तो हमें जो सिम था वो बीएफएस ऑफिस से मिल गया था, तो बेटर मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। और फिलहाल जैसे हमारा इंडिया में था कि आपको डे के हिसाब से 5 GB डाटा मिलता था, वहाँ पे यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे अगर जैसे अभी मैंने फर्स्ट रिचार्ज किया आफ्टर 30 डेज, तो मुझे अगर मैं उसको 5 pound का करूँ तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 5 GB पर मंथ। हाँ, मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे मेरा सिनेरियो था, मेरे केस में क्या था कि आजकल ऑलमोस्ट सभी अपना नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो मेरा पहले पोस्टपेड कनेक्शन था। और आई नो एक बार मेरे साथ पहले भी हो चुका था कि मैंने बाहर ट्रैवल किया था, मेरा पोस्टपेड कनेक्शन था और मुझे 3-4 हज़ार रुपये उसका बिल पे करना पड़ा वापस जाके। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए मैंने उसको पहले प्रीपेड में कन्वर्ट किया। और मैंने ये भी पूछा कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया था कि हाँ, यूके में कौन सा सिम चलता है, कौन सा बेटर नेटवर्क है, तो मैंने उसको पोर्टेबिलिटी करवा के किसी दूसरे सिम में लिया। और मैंने वोडाफोन में करवाया क्योंकि वोडाफोन है यहाँ पे। तो आई थिंक ये जो काम है ये आपको बहुत एडवांस में करना है, बिकॉज ये पोर्टेबिलिटी और ये सब, अगर आपका पोस्टपेड कनेक्शन है तो होल प्रोसेस टेक्स अराउंड 15 to 20 days। अगर आप प्लान कर रहे हो तो पहले से ही ये सब करके चलें, क्योंकि मेरा एंड मोमेंट पे काम हुआ, वो भी एक मेरी फ्रेंड थी जो बेसिकली वोडाफोन में थी, तो इसलिए मेरा काम जल्दी हो गया और उसने ऐसे ऐसे सजेशंस दिए कि मेरा यहाँ के एक्टिवेट हुआ। मेरा ये जो नंबर था इंडिया के बहुत से बैंक से कनेक्टेड हैं, तो आपके यहाँ आने के बाद आपको सडनली सब कुछ तो ओपन हो नहीं जाएगा, बैंक अकाउंट खोलने के लिए टाइम लगता है, बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो या फिर कहीं इंटरनेट बैंकिंग हो, जैसे मेरे केस में अगर मेरे खुद के बैंक में अगर मुझे कोई ट्रांजेक्शन करना है तो सबसे पहले OTP आता है, तो बिना OTP के आप काम नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप उसको, अगर आपका पोस्टपेड है तो उसको प्रीपेड में करवा के, हाँ इट्स अप टू यू। मैंने करवाया था बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है पोस्टपेड में, आप इतने बिल्स आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और सेकेंड थिंग इज आपको उसको रिचार्ज करवा के आना है, इंटरनेशनल रोमिंग इनकेस आपको कॉल करना है तो इंटरनेशनल रोमिंग का एक स्पेशल टॉपअप आता है, आप उसको रिचार्ज कर सकते। थर्ड चेकलिस्ट में मैं रखूँगा NHS को, दैट इज नेशनल हेल्थ सर्विस। यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा है, जैसे हमारे इंडिया में आपको बहुत से डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको जहाँ दिल करता है वहाँ पे आप जा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, आपको ये अच्छा नहीं लगा वो अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छी सर्विस लेनी है या जहाँ भी आपको जाना है अपने कम्फर्ट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको नेशनल हेल्थ सर्विस पोर्टल पे जाके आपको अपना खुद का जो GP बोलते हैं, जैसे जनरल प्रैक्टिशनर, उस
उसको अपने उसको अपनी एरिया के हिसाब से चूज करके उससे अपॉइंटमेंट लेके आपको बात करके उसको बुक करना पड़ेगा, सो दैट इनकेस अगर आपको कुछ इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ तो आपसे उनसे आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्टली उनसे जाके आप मिल सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप बिना किसी जनरल प्रैक्टिशियंस को बुक किए बिना आप किसी को दिखा नहीं सकते, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं या कुछ हैं, अगर नॉर्मली होता ही आप वहाँ से उठ के यहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट में आ गए, अगर कुछ भी हुआ खांसी वासी या जुकाम ऐसा या फीवर कुछ हुआ, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप किसी को दिखा नहीं पाओगे, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट रजिस्टर्ड विद इन कपल ऑफ डेज जैसे आप यहाँ पे पहुँचते हो। दूसरी मैं बात कर रहा था अकोमोडेशन की, जो मैंने पहले ही बताया कि जब मैं BRP की बात कर रहा था कि कुछ लोग यहाँ आने से पहले ही अपनी अकोमोडेशन बुक कर देते हैं, मेरे केस में भी मैंने वही किया क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात किया था, फेसबुक में काफ़ी लोगों को अप्रोच किया, कुछ सोशल ग्रुप्स थे उनसे पूछा, थे लोग हेल्पफुल थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं ऐसी पहले या तो फिर मैं कर लूँ, मैंने यूनिवर्सिटी का देखा कि मुझे कहाँ यूनिवर्सिटी कितनी दूर है और मेरा अकोमोडेशन वहाँ से कितना दूर है ताकि कम्यूट करने में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, मैं ईजिली ट्रैवल कर सकूँ यूनिवर्सिटी से वहाँ पे। तो मैंने आराम से वहाँ इंडिया में बैठे बैठे ही अपना अकोमोडेशन बुक कर दिया था। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ आके अकोमोडेशन देखते हैं अपने बजट के हिसाब से या फिर फ्रेंड सर्कल रहता है कि वहाँ पे जाके देखेंगे। बस मेरा कहना ये है कि अगर आपको अकोमोडेशन देखना है या तो वहाँ से बुक करवा के आइए या तो फिर सर्टन आप यहाँ पे लैंड करके यहाँ भी अकोमोडेशन देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कहाँ पे काम करने वाले हो तो उस कहाँ पे काम करने वाले हो या स्टडी करने वाले हो तो उस लोकेशंस के हिसाब से आप देख लें कि आपको कम्यूट टाइम कितना लगेगा, आपको ट्रैवल कितना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, तो उसके हिसाब से आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। ऐसे बहुत से और भी काम हैं जो धीरे धीरे आपको और भी फिनिश करने हैं। अगर मैं बैंक अकाउंट की बात करूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो BRP कलेक्ट करने के बाद आपको कुछ क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं जिससे आप लॉग इन करके आप एक लेटर लेके आप बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसी बहुत सी ट्रांजेक्शन होती हैं। कुछ इश्यूज़ हैं जो मैंने फेस किए तो आपको वो बता रहा हूँ। मेरे केस में ऐसा था कि मैं एडवांस पेमेंट कर चुका था अकोमोडेशन का, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा था, दो बैंक थे मेरे पास, लेकिन यहाँ आने के बाद जब भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो बार बार फेल हो रहा था। और जैसे मैंने बोला था मेरा जो प्रीपेड कनेक्शन था वो भी बहुत लास्ट मोमेंट पे जाके एक्टिवेट हुआ, यहाँ आने के 3 दिन बाद हुआ, और ऐसा हो गया कि मेरे पास OTP नहीं आ रहे, तो आई वॉज टोटली स्टक कि करूँ क्या मैं अभी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैंने बहुत सी चीज़ें जो लेट प्लान करी थी इसे आपसे शेयर कर रहा हूँ। Forex कार्ड मेरा यहाँ पहुँचने के 3 दिन बाद पहुँचा, तो मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं था कि मैं Forex कार्ड यूज़ करके उसको यूज़ करूँ। तो जब मैं हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन उतरा तो मैंने वहाँ से कुछ कैश निकाला, थोड़ा बहुत 20,000 आई थिंक मैंने चेंज करवा के लिया था, और मुझे उस टाइम चार्जेस लगे अराउंड 457 समथिंग, अराउंड 20,000 पे, तो वो मैंने यूज़ किया जब तक था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको ग्रोसरी भी लेना है, बहुत सी आइटम लेनी है, तो वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। उसके बाद आपको रेंट देना है, बाकी और सी बहुत सी चीज़ें होती हैं वो आपको करनी होती हैं। तो आपका इंटरनेशनल कार्ड भी है, लेकिन मेरे केसेस में मुझे थोड़े से इश्यूज आए, तो मैंने यहाँ आने के बाद सबसे पहले बैंक ऑफ प्रेफरेंस देख के बैंक अकाउंट बहुत जल्दी करवाया, मैंने लॉयड बैंक में करवाया। आपके पास और भी बहुत से ऑप्शन है, बारक्लेज बैंक है, लॉयड है, HSBC है, सिटी बैंक है, और भी बहुत से बैंक हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ पे आप रहते हैं आपके पास आसपास जो बैंक आप खुलवा सकते हैं, ताकि आपको बाकी जो ट्रांजेक्शन्स करनी है उसके लिए कोई इश्यूज ना हो। अकाउंट जितना जल्दी खुलवा लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप फोरेक्स कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है आपके पास, जैसे अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो अगर आप उससे ट्रांजेक्शन करते हो तो भी आप पे चार्जेस लगेंगे, और अगर कैश विदड्रॉ करते हो तो भी चार्जेस लगेंगे। जो इससे बेटर है कि आप यहाँ पे आके 1-2 दिन में बैंक अकाउंट खुलवा लो, उसको बेनिफिशियरी ऐड करके आप वहाँ से एक सर्टेन अमाउंट एक बार ट्रांसफ़र कर दोगे तो वेल एंड गुड। और ऐसे नहीं है कि अगर आप यहाँ लैंड करने के बाद आपको लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो पता नहीं होती हैं, अगर आपके पास कोई लैंडर नहीं है, कोई कुछ
कुछ लेटर प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है। बेसिकली यहाँ पे एक लेटर चाहिए होता है, जैसे मेरे केस में था स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट लेटर चाहिए होता है जिसके बेस पे वो बैंक अकाउंट खुलवा देते हैं। इनकेस अगर वो नहीं है, अगर आपको फिजिकली जाके बैंक में भी अकाउंट नहीं खुलवाना है, तो यहाँ पे डिजिटल बैंक्स भी होते हैं, जैसे मोन्जो है, सोलो है, रिवोल्ट है, ऐसे बहुत से बैंक्स हैं जहाँ पे आप जस्ट इंटरनेट पे अपने सिस्टम पे बैठ के आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। तो मैंने लोगों को देखा यहाँ पे दो बैंक बैलेंस मेंटेन करते हुए, अगर बेसिकली आप प्रोफेशनल हो, क्योंकि अगर आप एक अर्निंग कर रहे हो तो उनके पास एक फिजिकल बैंक है और एक ये डिजिटल बैंक है फॉर डूइंग ऑल द ट्रांजेक्शन, जैसे रेलवे पास है, बस पास है, या कहीं जैसे मैंने कहा बरिस्ता कॉफ़ी या फिर किसी शॉप में जाना है, तो एक सर्टेन अमाउंट डाल के आप वो कार्ड हर जगह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 90-80% केसेस में यही होता है कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, जैसे आपको कार्ड एक मशीन पे जस्ट टच करना है और पेमेंट हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, बैंक अकाउंट अलग से रखते हैं और ये जो डिजिटल अकाउंट है उसको जस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन वो उसको एक अलग से खुलवा। फॉरेक्स कार्ड की हमने बात करी थी, तो फॉरेक्स कार्ड हर बैंक के हैं, बहुत से फॉरेक्स कार्ड हैं। इनिशियली जब तक आप यहाँ पे नहीं आते तो फॉरेक्स कार्ड यूज़ कर सकते हो। मैंने भी बहुत रिसर्च किया, तो मैंने बहुत बैंक्स का देखा, मैंने ICICI, SBI, HDFC, तो मुझे इन सभी में कुछ सर्टेन चार्जेस थे। जब आप लोगे तो चार्जेस लगेंगे, कुछ उसके बाद ट्रांजेक्शन करोगे तो चार्जेस लगेंगे, लेकिन एक कार्ड है जो मुझे जो मैंने ऑनलाइन देखा और उसके बाद मैंने बहुत सी उसके ऊपर वीडियोस देखी, जो नियो है, SBM का एक होता है नियो कार्ड, फोरेक्स कार्ड। मेरा कार्ड आ गया था 11 दिन में आ गया था, मैंने लेट अप्लाई किया यहाँ आने से पहले, क्योंकि मेरा पहले ये था कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास सारे इंटरनेशनल कार्ड्स थे, मैक्सिमम सभी के पास होते हैं तो यूज़ हो जाएंगे, लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आप नियो कार्ड लेते हो तो इट्स गुड, क्योंकि आप उसको वर्चुअली भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी फिजिकल कार्ड नहीं है लेकिन मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, चार्जेस भी इतने ज़्यादा नहीं है, और ऐसा है कि वो कार्ड कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी कंट्री में जाओ तो वहाँ की जस्ट आप उसको टॉप अप करो इंडियन रुपीज़ में, और बाद में कहीं भी जाके उस करेंसी के जाके आप पेमेंट कर सकते हो। तो मेरी सजेशन के हिसाब से तो नियो अच्छा कार्ड है, आप उसको आप उसके लिए जा सकते हो। प्रॉपर्टी की, अकोमोडेशंस की और प्रॉपर्टी की जो मैं बात कर रहा था, अगर आपको बुक करके आना है वहाँ से, तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट मूव है, जूपला है, स्पेयर रूम है, और गम ट्री है, ऐसी और भी 2-3 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अकोमोडेशंस का सर्च कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पहले से ही सब कुछ देख के आए, क्योंकि सेम हमारे से सिस्टम है, अगर आप जैसे इंडिया में अगर अकोमोडेशंस ढूंढते हो, जैसे मैं मुंबई की बात करूँ, तो आपको पहले एजेंट से मिलना पड़ता है, फिर उससे एक डेट लेनी पड़ती है कि मुझे घर देखना है, सेम यहीं पर है। पर यहाँ पे कोई भी काम बिना अपॉइंटमेंट के नहीं होता है। अगर आपने कोई कुछ फाइनलाइज किया है तो आपको उसको उस घर को देखने के लिए, उसकी व्यूइंग के लिए आपको उस एजेंट से टाइम और डेट लेना पड़ेगा, तो वो आपको पर्टिकुलर टाइम और डेट देके आपको दिखाएगा। सो बेटर है कि आप पहले से प्लान करें अपनी लोकेशंस के हिसाब से, अगर आप स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से, अगर प्रोफेशनल है तो जहाँ आप काम करते हैं उसके आसपास रहें तो बेटर है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा ट्रैवल करने से बेटर है कि आप कहीं पास में रहो। मेरा ऐसे मानना है कि आप जितने क्लोज रहोगे तो आपका एटलीस्ट जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाएगा, थोड़ा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप वो बचा सकते हो, क्योंकि अगर मैं इनकेस कुछ सिनेरियो में अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बस वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टैक्सी सर्विस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो उन सब मामलों में तो अगर आप अकोमोडेशन देख रहे हैं तो आसपास ही देखें। नेक्स्ट चेकलिस्ट में और फाइनल चेकलिस्ट में मेरे पास आता है ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे एक साल तक चलता है। मुझे स्टूडेंट था, मुझे पता नहीं, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों ने कहा कि आपका इंडियन लाइसेंस चलता है, हाँ यहाँ पे चलता है, आप एक साल तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी IDP कार्ड, IDP जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है, वो मैंने मुंबई से लिया, तो वो ऐसा काम है कि हाँ 5-6 मंथ्स के बाद वो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी अप्लाई करूँगा अभी 5-6 मंथ्स में, लेकिन यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस और कोडिंग है जो आपको जस्ट सीख के एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको एक UK ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये एक मेरी फाइनल चेकलिस्ट में था जो हमें करना चाहिए आने के बाद।
ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करूं, मैंने जो फेस किया और मेरा जो एक्सपीरियंसेस थे यहाँ पे आने के बाद। अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आप और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगा। और फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने होंगे। टेक केयर, थैंक यू।